वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल मिशन लाइब्रेरियन। सो आज हम बात करेंगे DSSB 2021 लाइब्रेरियन सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, मतलब कि जो हमारा 92/20 कोड का लाइब्रेरियन का DSSB का एग्ज़ाम हुआ था 25 नवंबर को, उस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एग्ज़ाम तो दे के आ गए हैं बट उन्हें आगे का प्रोसेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मीन्स अब कब मेरिट लिस्ट आएगी, कब क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कब डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। सो जो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है, क्या क्या क्राइटेरिया फुलफिल करने हैं, किसी को पूरी जानकारी नहीं है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि एग्ज़ाम देने के बाद आपको किन क्राइटेरिया को कैसे फिलफिल करने हैं दिल्ली में लाइब्रेरियन बनने के लिए। सो हम इस चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करेंगे ताकि किसी के मन में भी कोई भी शंका ना रह जाए। आपके सारे डाउट्स मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी, फिर भी अगर आपको लगे कहीं कुछ रह गया तो आप मुझे बता दीजिएगा। सो हम स्टार्ट करते हैं। एंड स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत अच्छे से मेहनत कर रही हूँ, आपकी बहुत हेल्प चाहिए। सो बस ये छोटी सी एक रिक्वेस्ट थी। अब मैं आपको बताती हूँ आगे का प्रोसेस क्या है। सो ये मैंने एक पूरी तरीके से एक स्टेप वाइज बना दिया है कि पहले क्या स्टेप है, सेकेंड स्टेप क्या है। सो क्राइटेरिया के लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपको एग्ज़ाम देने के बाद से कहाँ से शुरू होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप ये कैटेगरीज मैंने दे रखी हैं जनरल, OBC, ST, एंड फिजिकली हैंडीकैप। सो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको पार्ट 1 पार्ट 2 में से ये सबसे जो लीस्ट क्राइटेरिया, जो आपको पास होने के लिए एक तरीके से आपको मेरिट में आने के लिए सबसे लीस्ट क्राइटेरिया जो आपको फॉलो करने पड़ेगा ये वो है। सो जनरल कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको 40% पार्ट 1 पार्ट 2 में लाना पड़ेगा, जो कि इक्वल क्या हो जाएगा, 80 मार्क्स हो जाएंगे। मतलब 80 मार्क्स जो ये हैं ये आपको मिनिमम लाने पड़ेंगे आपको इसको मेरिट लिस्ट में आने के लिए। उसी तरीके से OBC है, उनका 35% है, मीन्स पार्ट 1 पार्ट 2 में उनको 35-35 लेके आने पड़ेंगे, मतलब 70 नंबर लेके आने पड़ेंगे। लास्ट बात है SC ST और फिजिकल हैंडीकैप हैं, उनको दोनों पार्ट में 30% लेके आने पड़ेंगे, मतलब 30 मार्क्स फर्स्ट पार्ट में, 30 मार्क्स पार्ट टू में, तो टोटल कितने हो गए, 60 मार्क। तो ये है जनरल OBC कैटेगरी वाइज कि आपको मिनिमम कितने क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। अगर आप इतने मार्क्स क्वालिफाई, मतलब इतने ला रहे हैं, तभी आप मेरिट लिस्ट नेक्स्ट स्टेप में जा पाएंगे, नहीं तो आप नहीं जा पाएंगे। कोई अगर ये सोचे कि हमारे पार्ट 1 में ज़्यादा है, पार्ट 2 में कम है, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको ये क्राइटेरिया 40% वाला आपको क्राइटेरिया फुलफिल करना ही पड़ेगा। बिना आप इसे फुलफिल करें आप नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जा सकते हैं। सो अब नेक्स्ट स्टेप है मेरिट लिस्ट। जब आप ये पूरा क्राइटेरिया फॉलो कर लेते हैं, आप इतने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ले आते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 में, तो आपकी नेक्स्ट चीज़ होती है मेरिट लिस्ट। आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर ही लास्ट में एक मेरिट लिस्ट निकाली जाती है। मेरिट लिस्ट में उन सभी का नाम होता है जो लोग ये क्राइटेरिया फॉलो करते हैं, उससे या तो 80% मार्क्स लेके आ रहे हैं मिनिमम, या उससे ऊपर लेके आ रहे हैं। नेक्स्ट है जब मेरिट लिस्ट में आप नाम आ जाएगा, अगर आप ये फुलफिल नहीं करें तो आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, जो OBC हैं वो सिर्फ दिल्ली के ही OBC काउंट किए जाएंगे। अगर वो अदर स्टेट से जो भी लोग आएंगे, जिन्होंने भी अदर स्टेट से दिल्ली का ये DSSB का फॉर्म भरा होगा, वो एज अ जनरल की तरह ही काउंट किए जाएंगे, वो OBC में नहीं आएंगे। दूसरा, इसमें इंटरव्यू नहीं है। आपकी जो मेरिट लिस्ट होगा उसी के हिसाब से आपके सारे आगे का प्रोसेस चलेगा। सो मेरिट लिस्ट के बाद क्या होगा, जिन बच्चों के नाम आते हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जाएगा EDOZER में। आपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिए, अपलोड करने के बाद उसमें अगर कुछ भी उन्हें गलत लगा या उन्हें लगा कि ये सही नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ खराबी है, कुछ कमी है, जो मतलब कि उस क्राइटेरिया को फॉलो नहीं कर रहे हैं जो उनके हिसाब से एडवर्टीजमेंट में दी गई थी, तो उनको वो हटा के फिर एक लास्ट में फिर से एक फाइनल मेरिट लिस्ट निकालेंगे, जो कि जिन लोगों को मतलब कि वो सिलेक्ट किए गए हैं, जिनको जॉब मिलने वाली है। जब वो फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी उसमें सबके नाम आ जाएंगे जो लास्ट में कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं डॉक्यूमेंट अपलोड के बाद। जब फाइनल मेरिट लिस्ट में जिनका नाम आ जाता है, फिर उनको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ता है। मींस अपने डॉक्यूमेंट्स लेके
अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको ऑफिस में जहाँ बोलेंगे वहाँ आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि आपका मेडिकल बुलाया जाएगा मेडिकल के लिए। ये ज़्यादा कोई बड़ा प्रोसेस या ज़्यादा वैसा प्रोसेस नहीं है, सिंपल आपका मेडिकल होगा नॉर्मल। उसके बाद मेडिकल के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा आपके घर पे, देन आपका एक पुलिस वेरिफिकेशन होगा जिसमें वो पुलिस वेरीफाई करेगी। उसके वेरिफिकेशन के बाद ही आपका ज्वाइन कर सकते हैं आपका जहाँ भी दिया गया है। सो ये प्रोसेस था आपका DSSV लाइब्रेरियन 2021 के लिए। दूसरी बात, इस पूरे प्रोसेस में आप ले लीजिए 2 से 2.5 महीने का टाइम, मैक्सिमम बता रही हूँ मैं, 2 से 2.5 महीने का टाइम लगेगा ही लगेगा आपके एग्ज़ाम देने से लेके इस पुलिस वेरिफिकेशन लास्ट स्टेप तक। सो ये था आपका पूरा प्रोसेस, मैंने एक एक करके सारी चीज़ें बता दी हैं कैसे कैसे स्टेप वाइज चीज़ें चलेंगी अगर आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो। लास्ट में अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबका पेपर अच्छा हुआ होगा। अभी आप पॉजिटिव रहिए, जो भी होगा आगे अच्छा ही होगा। और दूसरी बात, जो लोग ये कह रहे हैं कि 130 प्लस मेरिट जाएगी, ऐसा नहीं है, 130 प्लस मेरिट बिल्कुल भी नहीं जाएगी। बिकॉज़ कई लोगों का है टाइम लैकिंग है, फर्स्ट पार्ट हुआ है सेकंड पार्ट नहीं हुआ, सेकंड पार्ट हुआ तो फर्स्ट पार्ट नहीं हुआ। कई लोगों का डिसिप्लिन कोई सबमिट नहीं हो पाए हैं, किया तो है बट उन्होंने सबमिट नहीं किया। सो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ को कम करते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर की देखेंगे, जब से लास्ट में जो 138 गई थी, जबकि वो ऑफलाइन पेपर था और ये ऑनलाइन पेपर था, तो इसमें कई सारे बच्चों फर्स्ट टाइम बैठे थे। सो आप उन सब चीज़ों फैक्टर्स को लेके चलें। हाँ मैं मान सकती हूँ कि कई सारे बच्चों के अच्छा गया था एग्ज़ाम, उनके 130+ बन रहे हैं, बट उनकी गिनती बहुत कम है। बिकॉज पेपर आपका देख सकते हैं, आपकी टोटल 197 पोस्ट थी और फॉर्म भरे गए थे अराउंड 10K। अगर आप सबसे लीस्ट ले सकते हैं कि जिन लोगों ने फॉर्म पेपर दिया होगा तो वो कितना होगा, अराउंड 6-7 तो आप लेके चलें कि हाँ चलो इतने नहीं देंगे तो इतने तो देने आएंगे ही। सो मैं मान सकती हूँ कि हाँ कुछ लोगों का हुआ होगा जिनके 130+ बन रहे होंगे, बट सबके नहीं बन रहे होंगे। और फिर अभी जितना मैंने आपको प्रोसेस बताया, कई सारे बच्चे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें कई सारे लोग निकल जाएंगे बिकॉज उनके पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है। उसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सबको बहुत ही प्रॉब्लम है, बहुत ही कन्फ्यूज़न है कि कौन सा वैलिड है कौन सा वैलिड नहीं है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप प्लीज़ पैनिक मत होइए, 120 से ऊपर नहीं जाएगी। सो 130 से नीचे नीचे ही, तो आप पैनिक मत होइए। अपना नेक्स्ट पेपर के लिए आप या तो तैयारी कीजिए या पेशेंटली इसका वेट कीजिए जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है। सो अगेन थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना साथ मेरे साथ बनाए रखिए। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।